शहरों में लुप्त हो गई, उसका कई कारण है। एक कारण तो है कि लोगों की व्यस्तता, उनको टाइम नहीं है, सब अपने आगे बढ़ने के मोड में लगे हुए हैं। तो इस कारण से भी धीरे 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 हमारे त्योहार काफी छोटे एरिया में बढ़ गए हैं। जहाँ पहले लोग 7-7-8-8 दिन से पहले त्योहारों की तैयारी करते थे, अब एक दिन में ही सीमित हो जाना चाहते हैं। फिर वुमन जे पे मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि आजकल जो क्राइम बढ़ रहा है वुमन्स पे, छोटी छोटी लड़कियों पे, छोटी छोटी बच्चियों पे, कृपया करके प्लीज उन्हें भी अपनी बेटियां समझे, उन्हें भी अपनी बहनें समझे, अपने घर का सदस्य समझे, और इस क्राइम को प्लीज यही स्टॉप लगाने की कोशिश करें। औरत की भी लिमिटेशन होनी चाहिए, आदमियों की भी लिमिटेशन होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप औरत की उस लिमिटेशन का बहुत फायदा उठाएं। वो कृपया बंद करें, उसको भी आजादी से जीने का हक है, लेकिन इस तरह से भी नहीं। घर के सदस्य समझना चाहिए, हर बहू को, हर बहू को, सास को, आपस में सामंजस्य के साथ ही आगे बढ़े, तब तो ये आगे चलता रहेगा, नहीं तो एकदम भारत गर्त में चले जाएगा। इस उपलक्ष्य पर डॉक्टर इंद्रजीत, जो कि आंखों के डॉक्टर हैं, उन्होंने महिलाओं से संबंधित सेहत के संबंधित महिलाओं को जानकारी भी दी। काइट फ्लाइंग क्लब की तरफ से सभी महिलाओं को स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। यह काइट कार्यक्रम सेक्टर 42 चंडीगढ़ की न्यू लेक पर आयोजित किया गया था, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मकसद था कि पतंग की तरह महिलाएं भी आसमान को छू जाए। जो काइट फ्लाइंग है, हमारे एक इंडियन कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है, जो कि वर्ल्ड वाइडली बहुत ही अच्छी तरह से इसको एक्सेप्ट किया गया है। इसको एक स्पोर्ट्स की तरह इसको इंकरेज भी किया जा रहा है वर्ल्ड वाइडली, जो कि अभी इंडिया में ये नहीं देखा गया है। अगर हम वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में इसको देखें तो ये बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से जा रहा है कि हमें जो भारतीय महिलाएं हैं खास करके, उनके उनको तरफ ध्यान देना चाहिए हमें, उनके जो राइट्स है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए हमें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने महिलाओं की तरफ ध्यान रखें, उनकी सेहत की तरफ ध्यान रखें। एक डॉक्टर के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी सेहत भी उनकी ध्यान देना चाहिए।